अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश बाश होंगे अपने अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ, अच्छी सेहत और अच्छी लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह मियाँ आप लोगों को सबको। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे सबको। यहाँ पर करोना वायरस बहुत फैल रहा है और बस फिर से खौफ फैल गया है, क्या करें, एहतियात करनी पड़ेगी, घर में रहना पड़ेगा। मगर डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट भी बहुत निकल आए, अब देखते हैं अल्लाह मालिक क्या होता है। आज मैं बना रही हूँ, हम तो कबूल ही कहते हैं, चने का पुलाव के लो या कुछ भी, चने की दाल के हम कबूल ही कहते हैं, चने की दाल की और चावल, और मैंने लिए हैं और प्याज ली है, लहसुन अदरक लिया, नमक, गरम मसाला और ज़ीरा, हरी मिर्च, टमाटर और चने की दाल को मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया। मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई नज़र आ रही। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। चावल मैंने भिगो दिए और दाल को मैंने हल्का सा बॉइल किया। बहुत मजे की बनती है, इसको अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, अच्छी रहती है। प्याज ब्राउन हो गया, फिर मैं लेकिन प्याज ब्राउन हो गए, अब मैं लहसुन अदरक ऐड करूँगी, उसके बाद गर्म मसाला ऐड करूँगी, भूल गई कि सॉरी, साबुत गर्म मसाला, उसमें जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, दो तीन गाँव और काली इसलिए मैंने नमक भी शामिल कर दिया था, लहसुन अदरक में भून गया। अब मैं दाल ऐसे हैं ये ड्राई करके रख लेंगे, इसको भूनना है। Thank you.
डाल के डाल देते हैं, टमाटर करें देखिए टमाटर गल गया है। अब ऐसे चावल डालें, ये देखिए तैयार हो गए राइस। हमने जी शांत कर दिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। एक हरी मिर्च मैंने ऊपर रखी थी ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है, कच्ची कच्ची सी रहती है। और ये देखिए ये देखिए तैयार हो गई है कबूली के लिए, या चने की दाल के पुलाव के लिए, हम तो कबूली कहते हैं इसलिए मैं कबूली कबूली कर रही हूँ। और बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने अचार रखा है, ये बाज़ार का अचार हम लोग लेते हैं, घर में भी बनाती हूँ मगर बाज़ार का भी हम लोग लेते हैं हर किस्म का, तो यहाँ हर किस्म का अचार मिलता है। और दही है, चटनी है पुदीने की, प्याज हैं, और जिससे भी खाएँ आप, ऐसे भी खाएँ तो अच्छी लगेगी और इन लवाजमत के साथ भी खाएं तो अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, ट्राई करेंगे आप लोग ज़रूर। बिल्कुल सादा, सिंपल और इजी और कम वक्त में तैयार होने वाली। इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको, ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे बताना कि कैसी बनी है और कैसी लग रही है आपको, और आपने ट्राई किया या नहीं। अच्छा, दुआओं में मुझे याद रखना। अब मैं चलती हूँ क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ आज, तो इसलिए बस इतना ही काफ़ी है आज के लिए। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें। मेरे सब्सक्राइबर बहुत बहुत कम है, मालूम नहीं क्यों। व्यूवर्स बहुत आ रहे हैं, मतलब माशाल्लाह से लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, मगर सब्सक्राइबर बहुत कम है, मालूम नहीं किया ही नहीं है किसी ने शायद। ऐसे ही सब लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं जो आए हैं मुझे, वो तो मुझे मालूम है कि कौन कौन, स्वीटी जी ने किस किस को भेजा है, कौन कौन आए हैं, मगर दूसरे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम
कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। जो मुझे कर रहे हैं वो मुझे बता भी रहे हैं कि हम न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और मैं भी उनके चैनल पर जाऊंगी और उनको सब्सक्राइब करूंगी, शेयर भी करूंगी, लाइक भी करूंगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। सिलो सिलो, बहुत जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबको करती रहूंगी और मैं करती हूँ। तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का मेरा साथ देने का, मैं भी आपका साथ दूंगी इंशाल्लाह। दुआओं में बस याद रखिएगा। अब चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।